नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, यदि आपके टर्टल में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने पे आप उसको घर में फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, यानी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप उसको क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। आपको पता है कि जैसे मौसम में कोई चेंजेस होता है, एनवायरमेंट में चेंजेस होता है, तो सबसे पहले जो टर्टल्स होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं, और यदि समय रहते हमने इनको नहीं ट्रीट किया गया तो ये इन्फेक्शन आगे जाके काफ़ी क्रोनिक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है टर्टल सांस लेने के लिए लंग्स का प्रयोग करते हैं। लंग्स में जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, किन्हीं भी तीन कारणों के से हो सकता है, और ये इन्फेक्शन जब एक क्रोनिक फॉर्म में हो जाता है तो उससे कई बार क्या है, आपके टर्टल की डेथ भी हो सकती है। इसलिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जैसे ही सिम्टम्स आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हो, आप अपने तुरंत आप अपने टर्टल्स को अपने नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर या रेप्टाइल एक्सपर्ट्स के पास ले जाकर के उसका जो है इलाज करवाएं। आपके टर्टल्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, जो कि आप बिल्कुल क्लियरली आप दूर से ही डायग्नोस करके सिम्टम्स के आधार पर आप देख सकते हैं। वो सिम्टम्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए, और उनमें से एक भी सिम्टम्स यदि आपको अपने टर्टल्स में नजर आता है तो तुरंत आप सतर्क हो जाइए कि आपका टर्टल जो है किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आने वाला है, उसको उसको बचाने की जरूरत है, उसको फर्स्ट एड की जरूरत है उसी टाइम। कछुआ जो है अपने आप को एकदम थका हुआ महसूस करता है, स्विमिंग करना बंद कर देता है, और आप उसको देखेंगे उसके नाक से हल्का हल्का जो है नोस्ट्रिल डिस्चार्ज, स्टार्टिंग में ये हल्का होता है पानी की तरह होता है, बाद में जो है थिकी होना शुरू हो जाता है। आंखों में सूजन आनी शुरू होती है, कई बार पहले एक आंख बंद होती है, फिर दोनों धीरे आंखें बंद होती है, और फिर आंखों में जो है सूजन आकर के पूरी क्लोज होने के बाद कछुआ धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है। कछुए को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए कछुआ जो है धीरे धीरे मुंह खोल करके लंबे सांस लेना शुरू करता है। इस तरह का सिम्टम जब आप गौर से कछुए को देखेंगे, वो हल्के हल्के जब मुंह खोल के सांस लेना शुरू करता है तो आप गैस्पिंग होते हैं, लंबे लंबे सांस लेना, इस तरह के यदि कुछ सिम्टम्स है तो आप ये एक इंडिकेशन है कि आपके कछुए ने किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं, और ये स्टार्टिंग फेस है सिम्टम्स का, मतलब आप उसको उसी टाइम आप ट्रीट कर सकते हैं। एडल्ट जो टर्टल होता है पानी के अंदर रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन जब एक बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो वो बास्किंग एरिया में आकर के सोना शुरू कर देता है, पानी में बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि उसको पानी में काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि लंग्स पहले इन्फेक्टेड होते हैं। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका कछुआ बार बार बास्किंग एरिया में जा रहा है, पानी में जाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो एक इंडिकेशन है कि आपका जो कछुआ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है। यदि आप इस कंडीशन में आप अपने टर्टल की कोई हेल्प नहीं कर पाए, और ये स्टेजेस धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, तो आप ये मान के चलते जब स्टेजेस क्रोनिक हो जाती थी, इस कंडीशन में कई बार जो है टर्टल्स की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि सांस वो ले नहीं पाएगा, और सांस लेने में कारण उसके लंग्स इतने कंजेस्टेड हो जाएगा, उसका रेस्पिरेशन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, उस कंडीशंस में आपके टर्टल्स की डेथ होने की 100% चांसेस होते हैं। आप घर पे रह करके क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, या क्या घरेलू इलाज है जिससे आप अपने कछुए को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं? सबसे पहले यदि आपके पास दो कछुए हैं, यानी आपने एक से अधिक टर्टल्स पाले हुए हैं, यदि एक में किसी में इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, हमारा सबसे पहले काम ये होता है कि उन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपस में कॉन्टैक्ट से एक से दूसरे टर्टल्स में जाती है। हमने उस दूसरे कछुए की जान को भी बचाना जिसमें इन्फेक्शन है, एक इमीडिएट सेपरेट आप कर दीजिए ताकि उस दूसरे टर्टल्स में इन्फेक्शन जाने से रोका जा सके। वाटर का टेम्परेचर इमीडिएट 80-85 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। दूसरा, इमीडिएट आप वाटर की क्वालिटी चेक करिए, कहीं आपके पानी ज़्यादा गंदा तो नहीं है। बास्किंग एरिया में जो टेम्परेचर है, इमीडिएट आप 90-95 डिग्री फारेनहाइट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके लंग्स में थोड़ा सा आप देखोगे कि उसको सांस लेने में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ऑटोमेटिक थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल भी इंक्रीज होता है, उसको सांस लेने में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ये एक आप कह सकते हो फर्स्ट एड टाइप का है, कि आप जब तक आप उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे, आप उसको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हो ताकि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको थोड़ा सा रिलीफ हो सके, और उस समय के बीच में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक अपॉइंटमेंट लेकर के आप उसको टाइम पे ले जा सके, और उसको सांस लेने में भी थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। टर्टल्स की डाइट में आप इमीडिएटली विटामिन ई आप ऐड करना शुरू कर दीजिए। मार्केट के अंदर विटामिन ए की प्रिपरेशन टर्टल्स की इजीली अवेलेबल है। आप एक एक ड्रॉप यदि आप टर्टल्स को माउथ के अंदर डायरेक्ट देना शुरू करेंगे तो आपके टर्टल्स को इमीडिएट हल्का थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके टर्टल्स ने खाना पीना छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक क्या है, फूड पाइप की सहायता से डायरेक्ट जो है हम पाइप अंदर डाल के उसको लिक्विड डाइट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत होती है। यदि आप वेटनरी डॉक्टर की प्रेजेंस में सब करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, यूवी लाइट का आप इमीडिएट प्रयोग कीजिए, या
इंफ्रारेड लाइट यदि आप टर्टल्स के ऊपर देंगे तो इंफ्रारेड लाइट से क्या है, टर्टल्स को इमीडिएट रिलीफ मिलता है, उसको सांस लेने में काफ़ी आसानी होती है। एपीआई टर्टल्स फिक्स जेल करके आती है, यदि आप उसको टर्टल्स की बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो उसको जो है आपके टर्टल्स को सांस लेने में काफ़ी रिलीफ मिलता है। जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में आपके टर्टल्स को पानी में काफ़ी दिक्कत होती है तैरने में, तो उस टाइम आप कोशिश कीजिए आप टर्टल को ड्राई एरिया में शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। केवल दिन में आधे घंटे के लिए जब आप उसको फूड देते हैं उस टाइम आप अपने टर्टल्स को पानी के अंदर शिफ्ट कीजिए और इमीडिएट खाना देने के बाद आप उसको वापस ड्राई एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। यदि अर्ली स्टेजेस में ये लंग्स का इन्फेक्शन और आप ये उपाय करेंगे तो आप ये मान के चलिए इमीडिएटली आपके टर्टल्स को उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप बाकी फर्दर अपने नियरेस्ट फर्स्ट एड के बाद आप अपने डॉक्टर्स को चेकअप करा सकते हैं, उसका इमीडिएट आगे फर्दर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यदि आप अपने कछुए की डाइट में विटामिन ए नहीं दे पा रहे हो तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण भी एक रीज़न है कि आपका टर्टल जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। यह माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी आप टर्टल्स को जो प्रॉपर डाइट दे रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, डाइट में प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स प्रॉपर नहीं है, किसी डेफिशिएंसी होने की वजह से भी, कोई किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी आपका जो टर्टल्स जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया यदि आपके टर्टल्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है आप उसका घरेलू उपचार कैसे करेंगे, कैसे आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या क्या बचाव कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।